ओके okay. तो सबने रोल वैसे करवा लिया था उस कंपटीशन में डाटा कैंप के जो है मेरी बात आ रही है मैं आज करवाया नहीं था आज इंशाल्लाह करवाएंगे सर ठीक है बिकॉज़ uh, मुझे लगता है कि इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस और वैसे भी उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है तो इट्स गुड टू अवेल राइट कि आपको कुछ थाउजेंड uh, डॉलर्स के मेरे ख्याल है वो क्रेडिट भी देंगे आपको डरा कैम्पर है सो यू शुड एक्चुअली ट्राई टू अवेल दैट ओके सो वैसे हम लास्ट टाइम जब हम लोग पी वैल्यू uh, मतलब तो निकाल रहे थे फॉर द कोइन राइट कि मैं जब बात करती कि हेड या टेल आएगा उस बेसिस पे मैं पी वैल्यू निकाल रही हूँ ठीक अब वो जो सी वैल्यूज मैं निकाल रही थी वो थी फिक्स्ड राइट कि मुझे पता है कि ये हेड आएगा ये टेल आएगा दो तो वैल्यूज हैं ठीक है वो फिक्स्ड है लेकिन अगर मुझे कंटिन्यूस डाटा हो यानी पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा लाइक वैल्यूज आ रही हैं ठीक है कंटीन्यूस डाटा है तो उसके सेम अप्रोच नहीं लगा सकती जो मैंने पहले लगाई थी पी वैल्यू का फॉर्मूला देख कैलकुलेट करने के लिए पी वैल्यू मैंने क्या like, मेरा फॉर्मूला था इफ यू अभी तो मेरा पी वैल्यू निकालने के लिए जब मैं yeah. ओके सही मेरा फार्मूला था यानी मैं इसमें रैंडम चांस की जो प्रोबेबिलिटी है ठीक है वो देख रही थी कि क्या रैंडम चांस है उसका यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी की पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको मैं देखना चाह रही हूँ ठीक है जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी इसके अलावा जो कि इक्वली रेयर है या एक्सट्रीम है वैल्यू ठीक है वो देख रही थी उसकी प्रोबेबिलिटी और जो कि उससे भी ज्यादा रेयर है ठीक है ऐसे चांस ऐसा इवेंट या ऐसी वैल्यू जो कि उससे भी ज़्यादा रेयर हो जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उससे भी ज़्यादा रेयर तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके पी वैल्यू निकाली जाती है ये उसका फार्मूला था राइट ये तीन कंपनर्स हैं पी वैल्यू निकालने के सही तो ये तो उस केस में था जब हमारे पास फिक्स वैल्यू थी कि हेड है या टेल है ठीक तो मुझे वो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रही थी कि हेड अगर मैं देख रही मेरा मेरे हाफ एस हेड के लिए है तो मैं हेड के हिसाब से निकाल रही थी वैल्यूज लेकिन अगर मैं कंटिन्यूस uh, डाटा की बात करूं तो उसमें क्या होना चाहिए लाइक like अगर जो आज का हमारा थोड़ा सा है कि कैलकुलेटिंग पी वैल्यू फॉर कंटिन्यूस डाटा तो कैसे होगा

हाँ तो कोई वेरिएबल का नेम के ये कंटिन्यूस डाटा में फॉर करता वेरिएबल हाँ मतलब जैसे मैं एग्जांपल कोई भी देना यानी जैसे अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूं तो मैं कोई भी बताती हूँ कि नंबर ऑफ क्लासेस ठीक है तो वो डिस्क्रीट में आ जाएगा अच्छा अच्छा ठीक और

काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही होती हैं इसी तरह से वेट है हाइट है ठीक है इसमें पॉइंट्स में, में वैल्यूज़ आ जाती हैं ठीक है डेसिमल डेसिमल के बाद फिर कंटिन्यूस डेटा है तो इस केस में हम फिर डायरेक्टली वैल्यू मेयर नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास पॉइंट में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएंगी तो ज़ीरो या वन या इस तरह से तो कोई होंगी नहीं सिर्फ वैल्यूज़ जीरो और वन के दरमियान में भी इतनी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम उसमें इस केस में जब मुझे मेयर करना होगा कि अब मैं खाली अगर मुझे ये देखना है कि वन से कम वैल्यूज़ है और जीरो से वन है और जीरो से वन के दरिया में इतनी ज़्यादा वैल्यूज आ जाएंगी तो उन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी मैं निकाल के सम नहीं कर सकती राइट तो उसमें इस केस में मुझे कुछ और तरीका लेना पड़ेगा राइट और इस केस में हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं राइट के डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है अब हमने इतनी थोड़ा पढ़ लिया हुआ तो लाइक नो इट अब हमारे पास की थेरी में तो पॉसिबल है कि मैं जीरो और वन यानी कंटिन्यूस डाटा में जितनी वैल्यूज आ रही हैं जीरो से वन के दरमियान में जितनी भी जीरो जीरो जीरो, जीरो वन से भी हो सकती है और जीरो पॉइंट जीरो वन भी हो सकती है और इससे ऑनवर्ड जीरो के दरमियान के में सबकी प्रोबेबिलिटी निकालू और उस सब को उसकी मैं से सम करके बता दूं कि ये और फिर उसके अलावा खाली मुझे पी वैल्यू के दिए इसके भी नहीं समझ आइए हमें और इसकी जो रेयर या एक्सट्रीम वैल्यूज़ है उनके भी समझ आइए रिस्पेक्टिवली फिर जाके पी वैल्यू निकलेगी राइट तो ये केस थ्रेटिकली पॉसिबल है प्रैक्टिकली नहीं राइट तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं हमें पता है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के जो अंदर उसके अंडर एरिया है ठीक है वो हमें उसकी वैल्यू बता सकता है राइट जो उसके हमें पर्टिकुलर वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसके अंडर उसका वहाँ पे एरिया देख लेंगे कितना है तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी राइट अब अब फर्स्ट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हमें कुछ रूल्स भी पता है ऑलरेडी कि कितना परसेंट डाटा कितने में लाइक कर रहा होता सो so, इस तरह का कोई रूल याद है आप लोगों को मैम ये, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ये जो ग्राफ है इसमें ये इस मेट्रिकल होता है जो मुझे समझ लगी है yes. यानी कि okay. इस इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अंदर जो जो वैल्यूज आएंगी वो हमारा कंटिन्यूस डेटा का जो है ना वो आंसर है पी वैल्यू वो हमारी पी वैल्यू है यस वी कैन से दैट अच्छा इसमें मजीद मैं इसको बट मैं यस मेरा एक सवाल है लेकिन वो, वो जैसे आपने बताया कि जीरो पॉइंट वन जीरो 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 पॉइंट वन या फिर इस तरह जीरो और वन के दरमियान तो बेशुमार हो सकती हैं तो ये तो फिर फाइनाइट ये तो फाइनाइट हो रहा है ना इसके अंदर

वो मुझे बस बताएं कि हमने कुछ इस तरह का लॉ पढ़ा था कुछ याद आ रहा है मतलब तो वो कंफर्म भी कर दें कि अगर उन्हें याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कि कुछ इस तरह से कि हमने कुछ देखा था कि परसेंटेज में कितना डाटा लाइक करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कुछ रेंजेस में नहीं, 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 तो क्या है इम्पेरिकल रूल या लॉ आई थिंक रूल है इम्पेरिकल रूल है राइट

एक रिवाइज रिविजन ये देती हूँ कि राइट हम लोगों ने इम्पिरिकल रूल पढ़ा था जिसको हम इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं सिक्सटी एट यस नाइंटी फाइव दैट्स कूट नाइनटी रूल राइट तो ये वाला रूल हम इसको कह रहे होते हैं और ये रूल जो है ना नाइन्टी नाइन इसको जो इसका दूसरा नाम भी हमारे दो पार्टिसिपेंट्स ने पता है कि एम्पेरिकल रूल है तो एम्पेरिकल रूल में क्या है कि यानी हम ये कहते हैं कि जो सिक्सटी एट परसेंट डाटा है वो मीन के अराउंड जो हमारे पास वन स्टैंडर्ड एवियशन है उसमें फॉल कर रहा है ठीक है और इसी तरह से जो नाइन्टी फाइव परसेंट डाटा है ठीक है वो अगर टू यहाँ पे फर्स्ट करें मैंने प्लॉट ऐसे किया हो स्टैंडर्ड डेविएशन के अगेंस्ट तो ये जीरो है तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो और ये टू टू स्टैंडर्ड डेविएशन इस कर्व के अंदर ही और फिर थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसके कर्व के अंदर ही आनी है सो so, इतनी बिहारी मैंने ड्राइंग बनाई है सो so, उसके लिए माजरत और इसके यानी यहाँ पे फिर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो ये होगा ना डाटा यानी इसमें 68 एट परसेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉल कर रहा है इसी तरह से जो ये टू डिस्ट्रीब्यूशन यानी टू स्टैंड तक अगर हम जाएं यहाँ पे दोनों साइड पे प्लस माइनस तो ये ये कितना फॉल कर रहा है नाइन्टी फाइव परसेंट और अगर मैं प्लस माइनस थ्री करूँ ठीक है स्टैंडर्ड एवियशन और ये सारा एरिया उसके अंदर आए

कैसे फाइंड पे करेंगे इट वाज जस्ट अ रिफ्रेशर इसकी बेशक एप्लीकेशन आप नहीं देखेंगे यहाँ पे लेकिन आ, एक आइडिया मिल गया हमें अब फर्ज करें मैं यहां कि मैं यहाँ पे सिनेरियो लेती हूँ कि मैं ब्राजीलियन वन का मेरे पास डाटा है जो कि नाइनटीन में लिया गया था और उसमें क्योंकि हाइट का डाटा है कंटिन्यूस डाटा है तो उसको मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से प्लॉट कर दिया सही और उसमें जो हमारे पास यानी ज्यादा जो डाटा है वो हमें समझ आ रहा है के से से दरमियान में जो एज रेंज थी वो से 49 थी। उन फीमेल्स की ठीक और उसके उनकी जो एवरेज जो रेंज रही, जो रही है यूजली वन फोर्टी एक नॉर्मल रेंज चल रही है सही ओके सो जो ये रेड एरिया है अंडर कर्व ये इंडिकेट करता है कि 142 से 169 की हाइट हो किसी भी फीमेल की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है यानी मुझे इस रेंज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि 142 से 169 सेंटीमीटर अगर मुझे पूछे कि ब्राजीलियन वूमेन में वन फोर्टी टू से हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो जितना इसके दरमियान मतलब जो एरिया है ठीक है अंडर कर्व सही जिन वैल्यूज को कवर कर रहा है वो सारा एरिया जो है वो बेसिकली मुझे प्रोबेबिलिटी बता देगा ठीक इस सारे एरिया को मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी ओके सो अब क्योंकि ये मेजर uh, एरिया बन रहा है ठीक है ऑलमोस्ट तो ये काफी ज्यादा इसमें कवर हो रहा है तो मैं कह रही हूँ कि ऑलमोस्ट नाइन फाइव परसेंट ऑफ एरिया जो है वो अंडर द कर्व जो है वो, वो मुझे प्रोबेबिलिटी बता सकता है इस रेंज में ठीक अब ये नाइन्टी फाइव परसेंट एरिया तकरीबन उसने कवर किया हुआ रेड रेड जो मुझे शो हो रहा है कि ऑलमोस्ट नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ एरिया अंडर कवर हुआ हुआ है इस रेंज के अंदर तो इसलिए मैं उसमें ये हाइपोथेसिस करूँगी कि जो नाइन्टी फाइव परसेंट वुमेन है वो इस रेंज में फॉल करेंगी यानी कि फिर इनकी प्रोबेबिलिटी क्योंकि एरिया ही उसको मैं प्रोबीबिलिटी में कैलकुलेट

राइट right? यानी ये जो रेंज है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करिए इस पर्टिकुलर डाटा की जो हमने ली थी जिसमें ये पर्टिकुलर मीन था ठीक है उस पर्टिकुलर मीन के अराउंड ये नाइनटी फाइव परसेंट प्रोबेबिलिटी आई है राइट right? अब, अब अब मुझे ये देखना हो कि वन सिक्सटी नाइन से मतलब ब्राजीलियन फीमेल में 169 से ज्यादा हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो फिर मैं ये करूंगी कि वन सिक्सटी ओमवर्ड जितना एरिया बन रहा है ना जैसे तो, तो वो इसने यहाँ पे बताया कि टू पॉइंट फाइव परसेंट जो एरिया है वो 169 है, इतनी प्रोबेबिलिटी है के हमें ब्राजीलियन वन में डाटा के अंदर वन सिक्सटी नाइन सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट मिले इसी तरह से अगर मुझे वन फोर्टी टू से कम वैल्यू देखनी हो ठीक है अब ये जो है एक्सट्रीम वैल्यूज जा आ रही है कि रेंज से बिल्कुल ज्यादा या बहुत कम ठीक है हमारी रेंज से तो ये वाली जो एक्सट्रीम वैल्यू है ये एक और है मतलब तो ये भी एक्सट्रीम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर 142 से कम वैल्यू हो मेरी हाइट की ब्राज़ीलियन वमेन में तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 142 से शॉर्ट हाइटेड ब्राज़ीलियन में वुमन भी होंगी तो वो भी अगेन 2.5 पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ एरिया बन रहा है यहाँ पे तो 2.5 पॉइंट फाइव परसेंट प्रॉबिलिटी है कि हमें हम डाटा ब्राज़ीलियन वूमेन का ले रहे हो हाइट का तो वन सेंटीमीटर से कम हाइट है हा। okay excuse me यस yes. मैम ये रजिस्ट्रेशन के साथ आपने बताया भी है अम्पीरिकल्ला के थ्रू हमें इसको okay. करना तो ये जो है किसी फार्मूले से ड्राइव्ड है ओके सो बेसिकली हाँ वो जस्ट मैंने लाइक like, आइडिया दिया था कि किस तरह से एरिया अंडर द कर्व इज एक्चुअली गिविंग अ समथिंग लाइक वो हमें कुछ बता रहा है कि इसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज वैल्यू है जो फॉल करिए और हम एरिया अंडर द कफ को यूज़ कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए तो बेसिकली डेफिनेटली वो मेरे को रोल जो है वो डेफिनेटली किसी ना किसी मैथमेटिकल फॉर्म से ही निकला है ठीक है तो वो डिवेशन अगर आपने कुछ पढ़नी है सो यू कैन यू कैन एक्चुअली डिग डिपर इन थ्रू देट स्टार्ट कि वो कैसे निकला है राइट right? असल so... असल में, 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 में आ, मैं असल में मेरे जेन में एम्पेरिकल मैं ऐड करना चाहता हूँ कुछ के असल में एम्पेरिकल फॉर्म जो फार्मूलाज या एम्पेरिकल जो मेथड जो है वो हम जब भी इस इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ये जहन होता है कि ये आ, पिछले जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं या उनके ऑब्जरवेशन है उसकी उस पर जो बेस्ड जो मेथड वग़ैरह हो ना उसको हम्पेरिकल मेथड कहेंगे हम

लेकिन हम इसको देख सकते हैं कि ये जो है जैसे आप बता रहे हैं कि based on some other observations, तो आप, आप इसकी derivation अपने पर पढ़ेंगे की जी मैम मैम हो सकता है कि जियोलॉजिकल साइंसेस में एम्पेरिकल जो है मेथड उसकी एम्पेरिकल की डेफिनेशन और हो और इसमें स्टैट्स में और हो Uh, नहीं हाँ जी वो एम्पेरिकल मेथड इज़ समथिंग एल्स इन रिसर्च बेसिकली ये बेसिकली एक रूल है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन का डाटा मैंने कर्व में लिया है ठीक है तो वो मुझे इतने इतने जो परसेंटेज हैं उनमें फॉल कर रहा होगा सो दिस इज़ जस्ट लाइक क्या जैसे करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें आपने एक एम्पेरिकल रूल भी पढ़ रहा था इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सो यू आर कन्फ्यूजिंग आई आई गेस द टू टर्म्स

Uh, बताने का मकसद ये है कि मुझे कोई वैल्यू या रेंज फाइंड आउट करनी है तो उतनी रेंज के मैं अंदर अंडर एरिया कर एरिया अंडर कर देखूंगी तो मुझे प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी अब प्रोबेबिलिटी इज नॉट समथिंग विल गिव अस द कॉन्फिडेंस फॉर हाई हाइपोथेसिस वी नो इट अगर मुझे कॉन्फिडेंस लेना है अपने हाइपोथेसिस पे तो मुझे दो चीजें मैंने बताई थी कि जिससे मैं अपना कॉन्फिडेंस को क्वांटिफाई कर सकती हूँ कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस है अपने उस हाई पे तो वो दो तीन चीज़ें हैं पी वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल तो जो पी वैल्यू है बेसिकली उसको मैं यूज करके अपने जो नल हाइपोसि उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती हूँ ठीक है या इन अदर वर्ड्स अल्टरनेटिव को रिजेक्ट हूं. तो या एक्सेप्ट करती हूँ तो ये अब यहाँ पे पी वैल्यू निकालनी है डिस्ट्रीब्यूशन में तो मैं क्या करूँगी कि जो एरिया अंडर द कर्व है उनकी परसेंटेज इन अदर वर्ड्स उनकी प्रोबेबिलिटीज को एड करूँगी राइट तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं पी वैल्यू के, के विनोइड कि हमने खाली सिर्फ जो मेरी रेंज है या जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी मैंने एक्सट्रीम या रेयर वैल्यू जो उसकी इक्वली रेयर होगी और इसके अलावा जो इससे भी रेयर होगी मेरी वाली से तो उन उन सब को ऐड करना है right? राइट तो अब जैसे यहाँ पे इन दैट केस या भी ये जो मैं ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन अगर ले रही हूँ जिसमें वो फिफ्टी सेंटीमीटर यानी इसकी जो मीन के अराउंड ये वैल्यूज हैं तो अगर मैं ये मेयर करना चाह रही हूँ वन फा कि मैंने मैं फर्स्ट करें यहाँ पे मेरे पास है वन फोर्टी टू सेंटीमीटर राइट ये वैल्यू वैली चल रही है, है ठीक पर अगर मैंने इसको मेयर किया है किसी की भी हाइट को जो कि वन फोर्टी टू सेंटीमीटर टॉल है अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैंने रेंडमली लिया है ठीक है मतलब मैंने एक नया डाटा लिया वन सेंटीमीटर वैल्यू आई अब मैं सोच रही हूँ कि क्या वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करती है वो वैल्यू वो डाटा पॉइंट या फिर हो सकता है किसी और डिस्ट्रीब्यूशन का हो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये भी है कि उसका मीन वैल्यू स्पेसिफिक ही है क्योंकि हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि हम दो चीजों चीज़ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं एक उसका मीन और दूसरा उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन राइट तो अगर वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करती है तो उसका ये मीन होगा अगर वो किसी और डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करती होगी तो उसका मीन चेंज हो जाएगा तो वो फिर इट विल आवर ऑब्जर्वेशन ओवरऑल फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो वन फोर्टी टू सेंटीमीटर ये अलंदा से भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है उसका भी पार्ट है ठीक है तो मुझ अगर मुझे कोई एक नया डाटा पॉइंट मिलता है सेंटीमीटर इन केस सो वी जज कि वो हमारे किस जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन के से बिलोंग करता है हो सकता है कि कोई में ये चल थी जिसका मीन जिसकी मीन वैल्यू ही वन फोर्टी टू है पहले वाली की वन uh, फिफ्टीज में थी इसमें वन फोर्टी टू है ठीक है उसकी वजह से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी सही है ना तो अब अब इसमें अगर फर्स्ट करें मेरा ये प्रोसेसिस हो मैं ये फ करना चाह रही हूँ कि किस जो मेरा डाटा पॉइंट है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता तो ये मैं निकाल सकती हूँ पी वैल्यू से राइट ओके सो फॉर एग्जांपल लाइक हमारा अब इसमें हापोसिस क्या बनेगा कि क्वेश्चन हमारा जो मेन है वो ये है कि जो वन पॉइंट टू सेंटीमीटर की जो मेजरमेंट हमारे पास आई है वो मीन से कितनी दूर है कि हम उसे कह सकें कि ये इस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग नहीं करती है और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करती है राइट right. यानी मैं अगर ये कहूँ का मीन है हम ये डाटा पॉइंट उससे इतना दूर है कि वो इससे बिलोंग ही नहीं करता यानी इतनी दूर है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के रीड से ही बाहर निकल गई है ठीक है तो अगर वो रीड से बाहर निकल गई इसका मतलब वो इस में बिलोंग नहीं कर रही तो अगर अगर ये प्रूव हो जाए कि वो इस, इसकी में जो इसकी मीन है उससे बहुत ज्यादा दूर है 142 की वैल्यू तो मैं जो आइडिया है कि वन फोर्टी टू सेंटीमीटर इस ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन का uh, से आई है या इस ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है ठीक है वो मैं रिजेक्ट कर दूंगी हम इस बार बहुत से समझ आई है या मैं रिपीट कर दूँ मैम समझ नहीं लगी फिर पैंट थोड़ा सा रिपीट कर देता ओके तो आई थिंक बाकी को लग गई है तो उनसे पूछते हैं राइट तो सर हम सब आप बताएं कि uh, क्या है ये फिर अच्छा अच्छा ओके और राइट चले इसको देखते हैं कि मैं ही कह रही हूँ कि मेरे पास एक वन टू सेंटीमीटर आई है मतलब मैं मैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर से देख के प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ एरिया से तो उसकी एक एप्लीकेशन है कि फ़र्ज करें कि मैं हाइपोसिस ये लेती हूँ कि कोई भी मेरा डाटा पॉइंट आया वो किस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता ठीक है क्या वो इस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है जो ब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है या वो जो मैंने पहले बताई थी ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन ये इसका पार्ट है नहीं मैम ये समझ नहीं लगी कि ये जो दो ग्राफ बनाए हैं आपने ये, ये क्यों दो ग्राफ हैं दो नोर पर ग्राफ एक लाइट में और एक डार्क में अच्छा पहले ये ब्लू वाला ही था ठीक है जी और मैंने एक बराबर में एक और डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करवा दिया है ठीक है कि वो भी क्यों क्योंकि मैं यही कह रही हूँ क्योंकि मेरा सवाल ये है अब मेरा सवाल ये है क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रही ठीक है पहले मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल के बता रही थी कि भाई ये एरिया अंडर द कर्व है तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ठीक है यानी जैसे मैंने पहले कह दिया कि वन सिक्सटी नाइन से ज़्यादा अगर मुझे फर्श कर वन सेवेंटी सेंटीमीटर अगर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इस ब्राज़ीलियन डाटा में तो मैं कहूँगी कि भाई वो टू पॉइंट फाइव से अब जा रहा है डाटा ये टू पॉइंट फाइव से कम है तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी भी टू पॉइंट फाइव से कम ही यानी टू पॉइंट फोर या टू पॉइंट थ्री ठीक तो इस तरह से मैं उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक वैल्यू की बता रही थी अब अब ये है कि फर्ज करें कि न्यू वैल्यू आई है ठीक है सेंटीमीटर सेंटीमीटर या सॉरी यहाँ पे है ठीक है तो वन सेंटीमीटर एक वैल्यू आई है और मेरा अब सवाल ये नहीं है सिर्फ प्रॉबिलिटी लें मेरा सवाल ये है कि मैं मैं देखना चाह रही हूँ कि ये वन फोर्टी टू सेंटीमीटर है ये इस वाली जो ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन है इससे बिलोंग करता है यानी इसमें से कोई वैल्यू है यानी इस तरह से क्योंकि पॉइंट्स इस तरह से हुए होंगे ना जिनको इन्होंने प्लाट किया कर्व में तो वो जो डाटा पॉइंट है सेंटीमीटर नज़र तो ये आ रहा है कि इसमें इस रेंज इस में है ये लेकिन क्या ये जो डाटा पॉइंट है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का है या फिर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन थी उस जब जैसे इसमें भी ये डाटा पॉइंट वन फोर्टी टू सेंटीमीटर है ठीक है लेकिन इसमें ये मीन है इसकी पीक जो है वो मीन को शो करती है ना तो एक और डिस्ट्रीब्यूशन है फर्ज करें उसके पैरल में जिसके अंदर वन फोर्टी टू सेंटीमीटर मेन है जबकि जो ये ब्लू वाली डिस्ट्रीब्यूशन थी इसमें वन फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर मेन था और वन फोर्टी टू सेंटीमीटर एक काइंड ऑफ थोड़ी सी एक्सट्रीम पे रही है वैल्यू राइट पीक पे नहीं है तो uh, हमने ये देखा हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अः uh, जब हम मतलब उसको डिफाइन करना चाहते हैं हम मीन से और स्टैंडर्डेशन से करते हैं राइट right? और जो मीन है और स्टैंडर्डेशन उसकी बेस पे जब मैं एरिया और प्रोबिलिटी निकालूंगी तो इसके इसमें प्रोबिलिटी कम आएगी डेफिनेटली क्योंकि ये टू पॉइंट फाइव एरिया तकरीबन उसमें जा रहा right? है राइट वन फोर्टी टू सेंटीमीटर की अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से देख के प्रोबेबिलिटी निकालूंगी उसकी वैल्यू कुछ और आएगी फर्ज करें अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से ना देखूँ और मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन से वन फोटी टू सेंटीमीटर की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो अब इसमें क्योंकि ये मीन है ग्रीन ग्रीन वाली में ये मीन की वैल्यू है तो इसमें डेफिनेटली उसकी प्रॉबलिटी की वैल्यू ज़्यादा आएगी मतलब right? डिफरेंट आएगी ठीक क्योंकि इसमें ये मेन पीक हाइट पर है तो इसके एरिया अंडर द करव जब मैं निकालूंगी तो वो कोई और वैल्यू आएगी ठीक है तो ये भी मतलब ज़रूरी है कि फ़र्ज करें मेरे पास अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन में और मैं ये देखना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली किस डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है ताकि मैं उससे उसकी लाइक देख सकूँ कि प्रॉबीबिलिटी और फाइंड आउट कर सकूँ ज़्यादा अच्छे तरीके से या मजीद अच्छी प्रडिक्शन लगा सकूँ राइट तो इसलिए मैं ये एक हाइपोसिस जनरेट कर रही हूँ कि मैं ये कह रही हूँ कि वन फोर्टी सेंटीमीटर एक डाटा था तो मैं तो मेरे एक नई वैल्यू एक हाइट की

के जो वन फोर्टी टू सेंटीमीटर है क्या वो हमारे मीन से मतलब जो मेन हमारी ये पहले वाली डिस्ट्रीब्यूशन हम ले रहे थे ना ठीक है तो अगर मैं फर्स्ट कर इसी में ही देखूँ इस ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन को कि क्या वो हमारे मीन वैल्यू जो कि हमारे पास है वन फिफ्टी फाइव सेंटीमीटर इससे इतनी दूर कितनी दूर है कि हम उसको रिजेक्ट कर सकें अगर ज्यादा दूर होगी तो हम कहेंगे कि वाकई ये वन फोर्टी टू सेंटीमीटर इस कर्व का पार्ट नहीं है ठीक तो है ये इस ये जो डाटा पॉइंट है ये इसमें इस डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन नहीं करता

ओके तो आई होप ये हॉप से सब क्लियर होगा जी मैम तो अब अगेन अब हमें ये लग रहा है कि वन फोर्टी टू सेंटीमीटर जब इसमें मीन में है तो हो सकता है कि ये ज्यादा अच्छा बताए क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें ये मीन वैल्यू है तो डेफिनेटली इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है कि और ये ज्यादा इसको लाइक like, डिटेल में बता सकते कि सेंटीमीटर इस कर्व का पार्ट है बट वी कैन एक्चुअली फाइंड इट आउटाईट दी वैल्यूट तो मैं क्या करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें ले रही थी जिसमें मीन वन है ठीक तो मैं उस ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर Uh, जो मेरे वन टू सेंटीमीटर वैल्यू के अगेंस्ट मैं पी वैल्यू निकाल के देख लेती हूँ ठीक सो so, उसमें मैं कैसे निकाल सकती हूँ yani right? uh, यानी टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ एरिया ऑफ द पीपल विल हैव द लेस हाइट देन है यानी मीन ये था तो ये इसके इस तरफ तो वैल्यू यही होगी कि जो वन हमें पता है कि ये एरिया कर्फ टू पॉइंट फाइव परसेंट बन है तो मैं ये कह सकती हूँ कि टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द पीपल विल हैव द हाइट लेस देन वन फोर्टी टू सेंटीमीटर ठीक सो यानी जो इसकी मैं अगर इन अदर वर्ड्स जो पी वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी निकले मतलब पी वैल्यू के लिए पहला कंपोनेंट जो निकलेगा यानी वो क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटी प्रॉबिलिटी कहूगी पी वैल्यू नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी है ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटीमीटर इज ठीक है इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट अप कर दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकली है जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव ठीक अब इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम पहले तो हेड और वो जो टेल्स कोइंस के लिए रहे थे ठीक है जिसमें कंटिन्यूस डाटा नहीं था यस मैम वो पहले हमने आपने कहा ये पी वैल्यू नहीं है ये प्रोबेबिलिटी है तो आई थिंक जो मुझे याद पड़ा है कि आप से मैंने पूछा था कि वी पी वैल्यू ही प्रोबेबिलिटी होती है तो आपने कहा था जी अगर ओके okay, तो okay. ओके अच्छा अच्छा वो अच्छा चीज़ है ना बेसिकली जो बेशा की वो उसका प्रोबेबिलिटी को ही डिस्क्राइब कर रहा होता था लाइक लेकिन ये सम है हम लोगों ने पी वैल्यू कैलकुलेट की थी तो आई टोल्ड यू कि हम सिर्फ ये वन फोर्टी टू सेंटीमीटर की नहीं लेंगे बल्कि हम ऐड भी करेंगे उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज या रेयर रेयर जो इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज तो ओवरऑल इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी बट नॉट जस्ट फॉर आवर पॉइंट राइट वो आई फ्रिक्वेंसी की या डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉबिलिटी जो के मतलब हमारे उस पॉइंट से लाइक uh, like, uh, रेलिवेंट आएगी रेयर रेयर वैल्यूज उनकी भी का सम है तो अगर आप इसकी सिर्फ simply, अगर देखें पी वैल्यू की तो उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है बेसिकली ये अगर मैं इसके एक जेनेरिक वे में बताऊं ठीक है तो ये क्या है कि uh, मुझे मोडल लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी बताता है कि एक ऑब्जर्वड आउटकम है ठीक है उसकी आउटकम की जो है कितनी लाइक्लीहुड है ठीक है ये एक स्टैटिस्टिकल मेयर है यानी कि ये मुझे बता सकते कि क्या लाइक्लीहुड है कि जो ऑब्जर्वड मेरा आउटकम है वो कोई आउटपुट uh, है रिजल्ट है किसी चांस का राइट right? लाइक इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें तो यू विल गेट अ बेटर आईडिया किसी भी इवेंट की फ्रिक्वेंसी बताने के लिए उसकी लाइक अक्रेंस कितनी है उसकी प्रोबेबिलिटी को मैं कहूँगी कि ये एक पी वैल्यू है लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ अक्रेंस को बताने बताते हुए लाइक मैं खाली सिर्फ पी वैल्यू की ये इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं बता रही यानी अभी मैं इसका फार्मूला भी कम्पलीट करूँगी आगे इसका फार्मूला पी वैल्यू का क्या है वो कम्प्लीट करूँगी अभी अभी ये सिर्फ प्रॉबिलिटी है लेकिन आगे इसके ऐड होके बाकी चीज़ें भी आएंगी तो फिर पी वैल्यू यानी सिर्फ uh, of, uh, of of, है ही प्रोबेबिलिटी लेकिन ऑफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ यानी और अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट है ठीक है यानी इसमें सिर्फ इवेंट के ओवरऑल अक्रेंस नहीं पता चलिए अगर मैं सिर्फ खाली वन फोर्टी टू सेंटीमीटर की प्रोबेबिलिटी बताऊंगी तो लेकिन मुझे साथ क्योंकि मैंने पहले बताया भी था कि हम उसमें इक्वली जो रेयर इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी और उससे भी ज्यादा रेयर इवेंट है उसकी भी प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं हमने देखा था कि पी वैल्यू में कितने कॉम्पोनेंट्स हैं सो बेसिकली जो जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव है ये प्रोबिलिटी तो है ठीक है की लेकिन ये पी वैल्यू नहीं है पी वैल्यू अभी आगे इसका फॉर्मूला कम्पलीट होगा तब पता चलेगा

वैल्यूज़ को कंसिडर नहीं किया ठीक है उन इवेंट्स को कंसिडर करूंगी जो एक्सट्रीम और रेयर है फिर ही उसके बाद आगे मतलब उसका फार्मूला पी वैल्यू का कंप्लीट होगा अभी ये इनकम्प्लीट फार्मूला है अभी सिर्फ हमने वन फोर्टी टू सेंटीमीटर के इवेंट की लाइक ए वन फोर्टी टू सेंटीमीटर होने की प्रोबेबिलिटी बताई है कि कितनी होगी ब्राज़ीलियन फीमेल्स में वो है ज़ीरो पॉइंट जीरो टू फाइव ठीक और अब मैं उसमें अब ये अ, मतलब एक चीज़ ये ऐड कर रही थी कि जब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं यानी हम कंटिन्यूस डाटा ले रहे हैं ठीक है कंटिन्यूस डाटा की जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन में से पी वैल्यू निकाल रही हूँगी तो उसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं ठीक है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है राइट क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें ये तो पता नहीं चलेगा कि रेयर इवेंट कौन सा है जैसे हेड और टेल के केस में था फिक्स्ड इवेंट्स में इसमें फिर मुझे रेयर निकालने क्योंकि कंटिन्यूस डाटा जा रहा है पॉइंट्स में इतना थोड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा तो उसमें रेयर की बजाय मुझे जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं ठीक है वो ज़्यादा लाइक वो मुझे ज़्यादा सही बताएंगी इंटरप्रिटेशन होगी मेरे डाटा की सही तो केस में मैंने अब एक्सट्रीम वैल्यू अगर देखनी है तो कौन सी हो सकती है पॉसिबली कीपिंग इन माइंड के हमारा जो अभी के लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या डाटा पॉइंट है वो वन फोर्टी टू सेंटीमीटर के हिसाब से मैं देख रही हूँ ना सारी चीजें क्योंकि मैं हाँ पोसिस को वन फोर्टी टू सेंटीमीटर से रख के टेस्ट कर रही हूँ कि क्या वो इस ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करती है ये डाटा पॉइंट या नहीं तो इस वन सेंटीमीटर के हिसाब से अब एक्सट्रीम वैल्यूज क्या बनती है मैम ये वाली वैल्यू जो आ रही है वन वन फिफ्टी फाइव पॉइंट सेवन और वन सिक्सटी नाइन ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं okay. और जो जो रेयर होंगी वो वन फोर्टी टू सेंटीमीटर से भी कम होंगी ओके okay, सो so इसमें एक चीज थी कि हम एक्सट्रीम ही देखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता रेयर लाइक Uh, हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए ज़्यादा बता दें कि हमें रेयर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है लाइक like, uh, वो टर्म हम ज्यादा तब यूज करते हैं जब हम डाटा में हो या फिर जैसे हम पहले थे के के में में थे उसमें continuous data ना हो वैल्यूज ठीक तो फॉर एग्जाम्पल अब इसमें जो वन फोर्टी टू सेंटीमीटर से जो फर्दर वैल्यूज है मीन की तरफ ठीक है वो एक्सट्रीम होंगी जैसे सर ने अभी बताया ठीक है के, तो अब बी वैल्यू क्या होगी फिर इसके उसमें ठीक है जो भी सेंटीमीटर से यानी जो फर्दर जा रही है मीन से आगे ठीक है वो या एक्सट्रीम होगी या फिर जो वन सिक्सटी नाइन सेंटीमीटर से ज्यादा वैल्यूज है ठीक है वो भी एक्सट्रीम वैल्यूज कंसिडर होंगी राइट right? यानी एक एक तो मैंने ये सेंटीमीटर वैल्यू बता दी ठीक है दूसरी प्रोबिलिटी ये है ये 142 की एक्सट्रीम वैल्यू क्योंकि मैं देख रही हूँ तो एक, एक जो ये तो मैंने अपनी मीन जो वैल्यू थी जिसमें जो, जो मैंने कैलकुलेट करनी थी वो बताई अब मैंने एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है ठीक है जो की

ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज की ये आएंगी वन सिक्सटी नाइन की तो आगे जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव और इन दोनों के दरमियान जो है वो वैल्यू नाइन्टी फाइव बनती है तो इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू आएगी वो पॉइंट नाइन फाइव आएगी आ, इसके अगर में राइट अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ये राइट ये एरिया जो बन रहा है ये एरिया की बात कर रहे हैं

ठीक तो लेकिन यहाँ पे मैं उस चीज को अप्लाई नहीं कर रही ठीक है मैं करी उन, मैं अप्लाई क्या कर रही सिर्फ उसमें से ये ले रही हूँ कितनी है राइट तो, तो मुझे ये वाला एरिया वैसे भी नहीं मुझे मेरे मेरे काम का नहीं है ये जो ये वाला एरिया है क्यों क्योंकि वो एक्सट्रीम वैल्यू नहीं शो कर रहा वैल्यू वन सिक्सटी नाइन से ऑनवर्ड जा रही है तो इसको इस वाला जो रेड एरिया है ये मेरे काम का है इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगी तो मुझे पी वैल्यू में उसका ऐड करूंगी इसको क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू so, को ये रिप्रेजेंट करेगा यस yes. तो ये फिर ये जो है 155.7 है ये 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 भी तो जैसे आपने पहले भी बताया कि ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है नहीं? मैंने नहीं कहा मैंने कहा है कि मीन से देखना है कि कितना दूर है मीन से राइट हम मीन से देख रहे हैं कि कितनी दूर वैल्यूज है ठीक है उस हिसाब से आप लोग कहेंगे कि ये एक्सट्रीम है ठीक है तो इसमें अब अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है यहाँ पे शो करवाया so, हुआ स्लाइड में सॉरी 142 के हिसाब से सा नहीं देख रहे हम हम्म डेफिनेटली लेकिन ये देखें I have written it our heads further than than from mean, mean right? Are considered more extreme extreme what we observe. The extreme value definition फ्रॉम मीन राइट ये जस्ट मैंने बेसिकली अच्छा जब मैं mean यहाँ पर बता रही हूँ तो बेसिकली मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए बता रही हूँ ताकि मतलब मैं बता सकूँ कि इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले कि मैं हिसाब से देख रही हूँ और जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन ही 142 सेंटीमीटर उसके हिसाब से नहीं देख रही सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए भी हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं ना तो ये जस्ट उस उस लिए थी ठीक है सो so, अगर इस केस में मैं ऑफकोर्स जो एक्सट्रीम वैल्यू है से से देखूंगी तो मैं ये बता रही हूँ बस मैंने मीन इसलिए बताया कि इस सारी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है ठीक है उस डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए मैंने मीन वैल्यू बताई है कि ताकि उस पता चल जाए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन की इस डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात हो रही है कोई और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पैरल में कि जो उसकी बात नहीं हो रही कि उसमें उस भी ये डाटा पॉइंट है तो मैं उसका बता रही हूँ तो जब मैं पूरा डिफाइन करूंगी तो मैं ऐसे ही करूंगी कि मैं बताऊंगी कि इस वाली मीन से ठीक है यानी कि इस वाली मीन वाली डिस्ट्रीब्यूशन से सो इफ यू रीड दिस स्टेटमेंट तो मे बी आपको क्लैरिटी हो कि किस तरह से मैं डिफाइन कर रही हूँ

ओके okay. सो so, अब अब ये जो जीरो पॉइंट जीरो फाइव मेरे पास वैल्यू आई है तो अब इसे मैं क्या निकाल सकती हूँ रिड्यूस कर सकती हूँ कि मेरा है प्रोसेस मुझे रिजेक्ट करना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए ओके okay. सो so, जो ये मेरे पास ई वैल्यू आई है वन फोर्टी टू सेंटीमीटर की ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यानी वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन वन फी फाइव सेंटीमीटर था तो उसमें जो पी वैल्यू है कि सम वन जो कि वन फोर्टी टू सेंटीमीटर कुल uh, जो कि वन फोर्टी टू सेंटीमीटर टॉल हो यानी जो डाटा पॉइंट था वन फोर्टी टू सेंटीमीटर वो ब्लू डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता ठीक है यह प्रोसेस था कि वन फोर्टी टू सेंटीमीटर जो डाटा पॉइंट मैंने एक रेंडम लिया है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है Uh, तो उसकी पी वैल्यू जब मैंने निकाली है तो मेरे पास जीरो पॉइंट जीरो फाइव आई है तो क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं क्या करना जी मेरा क्वेश्चन आपसे ओके मैं महनूर टेल मैम ये दरमियान में है तो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव तो ये फिर एक्सेप्ट होगा मैम पता नहीं ओके सो बेसिकली हम लोग यूजली हम हम अपने नाई भी बताया तो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट जो यूज़ होता है ज़्यादातर वो थ्रेशोल्ड

मेरी पी वैल्यू भी जीरो पॉइंट जीरो फाइव ही है so it interesting, like, अब मैं कैसे इसमें अब बेसिकली ये बॉर्डर लाइन केस हो गया यानी जो मेरा थ्रेश होल्ड है मेरी पी वैल्यू भी उतनी ही आई है तो अगर तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव से कम होती तो मैं ये कहती कि तो मैं मुझे मेरे लिए इजी हो जाता कि मैं एक्सेप्ट रहा कि जीरो पॉइंट जीरो फाइव से कम वैल्यू आ गई है और अगर जीरो पॉइंट से थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो मेरे लिएजी हो जाता कि मैं नल हाई को एक्सेप्ट करूँ राइट तो अब इस केस में इट इज अ बॉर्डर लाइन केस तो हम इसमें ये

जिसकी मीन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी मेन वन फिफ्टी फाइव है इसकी ये इससे इस है ये वाली वैल्यू या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन से तो अब उसका आपने आंसर बता दिया हम कहेंगे कि मे मे बी और मे नॉट बॉर्डर लाइन केस आ गया तो हम ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते हैं उसे ना इसको सेम बॉर्डर लाइन वैल्यू थ्रेशोल्ड होल्ड वाली आ गई है ओके okay. सो so, अब इसमें एक और केस अगर हमने कि अब, अब मैं فرض करो 142 की बजाय 141 वैल्यू आई है मेरी ठीक है अब अब डाटा पॉइंट जो मैंने एक ब्राजीलियन वुमन फीमेल का हाइट मेर्ड की ओवर 141 सेंटीमीटर आई है तो अब अब वो एक थोड़ा सा मतलब कि 142 से थोड़ी सी नीचे वैल्यू आ गई है तो इसके भी मैं इसी तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकती हूं राइट तो वन फोर्टी टू के केस में अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो पहले मैं पी वाली इसकी फाइंड आउट करूंगी अब ये थोड़ा सा क्योंकि ट्वेंटी फाइव परसेंट से थोड़ा सा कम हो गया प्रोबेबिलिटी एरिया इसका कम हुआ है तो ऑलमोस्ट करें कि हम इसमें सिक्सटीन परसेंट समझते हैं कि यह हुआ होगा क्योंकि ये सब थोड़ी सी वैल्यू इस तरफ गई है डिसप्लेस हुआ तो एरिया इसका कम हुआ है तो इसकी जो वन फोर्टी वन सेंटीमीटर की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स है ठीक और इसके अलावा जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है अगेन एक्सट्रीम वैल्यू हम ले रहे हैं कि 169 से ज़्यादा वाली तो वो भी तकरीबन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन सिक्स हम कंसीडर कर करें ठीक तो ये तकरीबन हमारे पास ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री वैल्यू आती है मैम इस केस में हम वैल्यू मैम इस केस yes. में हम जो है एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो 169 सिक्सटी क्यों नहीं ले रहे ओके सो बेसिकली क्योंकि वन के हिसाब से देख रहे हैं तो जितना उधर तो से उतना डिस्प्लेस हुआ उतना ही हम लोगों ने उससे एक्सट्रीम वैल्यू भी उतने हिसाब से कह दी कि वन सिक्सटी नाइन से भी जो यानी ज़्यादा वाली हो ठीक है यानी वन सेवेंटी से ऑन हम देख रहे हैं एक्सट्रीम वैल्यू उसके हिसाब से दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल वी हैव मेड अप राइट तो रिसर्च किया जब हम रियल टाइम स्टडी में कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से ये होगी हमने सिर्फ खुद बनाई हुई अपने हिसाब से एग्जाम्पल जस्ट टू एलेबोरेट राइट कि हम इस तरह से वैल्यूज डिफरेंस होती है तो हम फिर उसमें देखेंगे पी वैल्यू क्या है तो वन फोर्टी वन सेंटीमीटर के हिसाब से जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो हमने यहाँ पे इस तरह से ले दी है कि वन सेवनटी से ओवर वाली देख लेते हैं कि वन सेवेंटी से ज्यादा वाली कितनी जो values है ना वैल्यूज है ना जितनी भी वो सारी एक्सट्रीम वैल्यूज है अब वन सिक्सटी नाइन नहीं है तो उससे उसके हिसाब से उसकी जो डाटा है ना हमने उसको देख लिया कि उसके एरिया अंडर द कर्व कितना बनता है और वो हमें बताया गया कि कितनी प्रोबेबिलिटी है percentages में उतने जितने है उसके अंदर वही उतनी हमारी है करें 16 percentage, तो extreme value की भी probability हमने कर दी तो एक प्रोबेबिलिटी उसकी अपनी डाटा पॉइंट की और एक एक्सट्रीम वैल्यू की तो ये पी वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो थ्री आ गई है ठीक अब इस केस में जब जीरो पॉइंट जीरो थ्री आई है

उसमें ये फॉल नहीं करता ये वन फोर्टी वन सेंटीमीटर का जो डाटा पॉइंट है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग नहीं करता ये पी वैल्यू से मैं इजीली बता सकती हूँ ठीक है तो इस तरह से हम कंटीन्यूस डाटा में जो एरिया अंडर द कर्व है उसको यूटिलाइज़ करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं कंटीन्यूस डाटा के अंदर ताकि हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सके पी वैल्यू फाइंड आउट कर सके बेसिकली ओवरऑल जो मेन कॉन्सेप्ट था पी वैल्यू फाइंड आउट करने का इसमें अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब सेम उसने मल्टीपल एग्जाम्पल से वही चीज़ एलेबोरेट की हुई है फर्दर तो ये आप लोगों से शेयर कर दूंगी तो ये मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ जाएगा ये वेल well एक्सप्लेन है तो आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम नॉ बल तो आ, ये मैं शेयर करती हूँ क्लास के बाद तो आई थिंक अगर उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर हम कल ले लेंगे वो फर्दर उसको कम्प्लीट कर लेंगे सो so, अभी तक के लिए क्लियर है Yeah. no it's okay like we are all here to learn right together so in fact so I'm also very thankful for you for active participation in the class, and I am now ending the meeting at the office.